हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंजन। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के बारे में। और काफी लोगों का कहना है कि अगर इस बैंक में हमारा अकाउंट है और एफडी करते हैं तो कितना एफडी पे हमें अमाउंट मिलेगा और कितना परसेंटेज है, तो आज यही हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे ताकि आपको भी आइडिया आ सके, अगर आप 5 साल की एफडी कराते हो तो कितना अमाउंट आपको 5 साल के बाद मिल सकता है। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट है एचडीएफसी का, तो वही हम जानेंगे। अगर आपका 1 करोड़ के अंदर एफडी कराते हैं तो क्या रेट रहने वाला है, और 1 करोड़ के ऊपर अगर आप कराते हैं तो क्या रेट रहता है, यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी थोड़ा जो एफडी का रेट है उसमें बढ़ोतरी दी गई है। तो अगर आप 7 दिन से 14 दिन के लिए अगर लेते हो तो 3.5% एनुअली रहता है ये इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 4% का लगभग। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो तो 6.35% का जो इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक देते हैं, और सीनियर सिटीजन को 6.85% का। तो इंटरेस्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन पहले काफी ज्यादा दिया करते थे बैंक 7.50 और 8%, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। और अगर आप 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में ये 6.85% के करीब इंटरेस्ट रेट देते हैं, और सीनियर सिटीजन को 7.35, जो कि SBI से ज्यादा है HDFC बैंक का। और अगर 1 ईयर से लेके 2 इयर्स के बीच में अगर आप रखते हैं तो 7% का ये इंटरेस्ट देते हैं, और सीनियर सिटीजन को 7.50 का। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर हैं तो 7.40 का देते हैं, और सीनियर सिटीजन को 7.90। लेकिन लगभग स्मॉल क्लास पीपल है, मिडिल पीपल इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इसी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में रखते हैं तो 7% का देते हैं, और सीनियर सिटीजन को 7.50 का। तो 5 साल के ऊपर अगर आप रखते हैं तो 6% का देते हैं, और उसके बाद 6.50 का। तो मेरे हिसाब से 5 इयर्स तक के लिए काफी ठीक है, 3 इयर्स 5 इयर्स उससे ऊपर लेंगे तो काफी मींस कम यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है। और ये इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है, कभी बढ़ भी जाता है कभी घट भी जाता है, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और इसका जो है मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी रखते हो 5 साल के लिए तो आपको कितना मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल सकता है। तो एक कैलकुलेशन मैंने किया है, 1 लाख एफडी का अमाउंट लिया है और 60 मंथ्स का जो है यहाँ पे पीरियड पकड़ा है लगभग 5 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन HDFC बैंक का जो लेटेस्ट चल रहा है 7%, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। आप भी इनकी वेबसाइट पर जाकर इजिली चेक कर सकते हैं। और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ईयरली मैंने सिलेक्ट किया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहता है वो 7000 के करीब है ईयरली, और अगर टोटल अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे 5 साल का तो आपको लगभग 40,000 के करीब अमाउंट बनता है, लगभग 40,255 रुपये। तो इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर 1 लाख आप जमा करते हो तो लगभग 1,40,000 के करीब आपको टोटल अमाउंट 5 साल के बाद मिलेगा। तो ये है पूरा कैलकुलेशन। लेकिन पहले की अगर आप बात करेंगे तो पहले काफी ज्यादा इंटरेस्ट देते थे, तो अब धीरे धीरे जो इंटरेस्ट कम हुआ है तो इसी लिहाज से काफी मीन्स एफडीज में कमी आई है। लेकिन HDFC बैंक का इंटरेस्ट ज्यादा है दूसरे PSU बैंक के बैंक से, तो इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बताना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके। अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए रख देते हैं FD, तो उस पर कितना आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप 5 लाख की एफडी करते हैं तो लगभग आपको 7 लाख मैच्योरिटी पे मिलेगा, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट आपको मिलेगा 5 साल के अंदर। तो आज इसी के बारे में बताना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके HDFC एफडी के बारे में, और इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके बारे में,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।